लूफी अब आपने बताने डॉक्टर साहब, ये जो है M1 जो है ये मेन्स इनपुट है, M2 जो है वो आपकी बाईपास है। बाईपास से क्या मुराद है? बाईपास स्टैटिक बाईपास होती है कि ये अगर फॉर एनी रीज़न यूपीएस को यूपीएस में मसला आया है तो ये बाईपास पे चला जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट मेंस को लेके, हाँ मेंस को, लेकिन ये विद सम कंडीशन के ये विद इन रेंज हो। अगर आउटपुट की सेटिंग आपकी 400 है तो 395 या 405 के करीब होगी तो ये बाईपास पे जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे मैसेज देता रहेगा, यार तुम्हारी इनपुट कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, मैं बाईपास पे नहीं जा सकता, बाईपास अनअवेलेबल या इन्वर्टर अनसिंक्रोनाइज का मैसेज देगा। और दूसरा ये आपने देखना, आपके ये 230 31 32 आने चाहिए। ये क्या है? ये लोड की तरफ, जो लोड को आपके वोल्टेज जो फीड हो रहे हैं, जो लोड आपके ले रहा है पावर, वो ये ले रहा है, ये वो, हाँ मशीन जो है ये आपकी प्रिटी स्टेबल होनी चाहिए। ये 230 है तो आप मशीन ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखें, ये बैटरी डिस्चार्जिंग है, ये रेक्टिफायर बंद है और इन्वर्टर ऑन है। ये हर सूरत में ग्रीन होनी चाहिए लाइट, फिर आप मशीन को प्रोटेक्टेड समझें। और ये वाली अगर जो है वो लाइट लिट ऑन है तो इसका मतलब है ये बाईपास पे है, ये रेक्टिफायर है, ये बाईपास है, ये आपका इन्वर्टर है और ये लोड है, ठीक है। रेक्टिफायर का क्या काम? रेक्टिफायर जो है ये देखें, ये मेन्स जो आ रही हैं आपकी, वापडा आ रही है, ये ब्लिंक कर रहा है तो इसमें मसला आ रहा है, ठीक है। अगर ये स्टेबल है, प्रिटी स्टेबल है, आपने वोल्टेज चेक कर, जब ये ऑन होगा तभी बाईपास भी हो जाएगा आमतौर पर। हाँ ये नहीं, बाईपास नहीं होगा, ये रेक्टिफायर है, ये बैटरी का लिंक है और ये आपका इन्वर्टर है, ये और लोड है, ठीक है। बाईपास जब होगा तो आपने मशीन ऑन नहीं करनी, और ये बाईपास भी उस कंडीशन में जाएगा जब वोल्टेज विद इन रेंज होगी, अदरवाइज इसको भी रेड कर देगा, और रेड कर देगा और जो है वो आपके यहाँ पे मैसेज आएगा। मुराद ये करूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि 400 वोल्ट होने चाहिए और वो 380 से 410 के दरमियान हो तब बाईपास होगा, लेकिन अगर वो 330 पे है तब बाईपास नहीं, बाईपास नहीं जाएगा, ये इन्वर्टर ऑन रहेगा उस वक्त तक जबकि आपकी बैटरियों में स्ट्रेंथ है। अगर बैटरियाँ डिप्लीट हो जाएंगी तो ये लोड को डंप कर देगा, बाईपास पे नहीं जाएगा। अभी भी UPS उसी तरह है, ठीक है, कोई UPS में। और हम UPS ये देख सकते हैं कि बैटरियों में इस वक्त कितनी परसेंट चार्जिंग है। आपने ये देखना है कि ये बैटरी का जो है ना, वो ये इसको प्रेस करेंगे तो बैटरियाँ 404 वोल्ट पे आ गई, इसको 32 बैटरियों पे डिवाइड कर देंगे तो 12 समथिंग आ जाएगा आपके पास ना, और जब फ्लोटिंग वोल्टेज होंगे तो 13.5 होंगे। ये कितने एम्पियर, ये डिस्चार्जिंग है तो माइनस में एम्पियर, और अगर जो है ये चार्जिंग में है तो ये पॉजिटिव में होगा। इनिशियली ये ज़्यादा होगा, जब बैटरियाँ ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाएंगी तो ये जीरो भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये परसेंटेज, और ये नेगेटिव से क्या मुराद है? नेगेटिव से ये डिस्चार्जिंग है ना, मैंने वापडा बंद की हुई है, ठीक है, तो डिस्चार्ज करके मैं बैटरी को टेस्ट कर रहा हूँ। ओके, ये देखें ये बैटरी का है, ये कितने एम्पेयर ले रहा है, लोड कितना है, आप यहीं से चेक कर रहे हैं, आपको उधर कितने, ये लोड इस वक्त कितना है, लोड कुछ नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है क्योंकि अभी लोड है ही नहीं यहाँ का। ये लोड बता रहे हैं कितना ले रही है, और ये लोड आउटपुट है, इसका आउटपुट है, हाँ, मतलब लोड जो है ना ये, आप मतलब ये इधर से परसेंटेज आएगी आपके पास, इधर से एम्पेयर आ जाएगा आपके पास ना, ये लोड एम्पेयर में दे देंगे, ठीक है, ठीक है। और ये जिसके नीचे अगर कोई एरर दे रहा है, वो मतलब कोई एरर दे रहा है तो आपने उसके नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे तो एरर आ जाएगा सामने, वो ना इधर एक एरो सा बना होएगा, उसके बिल्कुल नीचे वाला बटन आपने प्रेस करना है तो वो आ जाएगा एरर क्या, ठीक हो। और कोई नहीं है। और इसकी सेटिंग जो कल बात कर रहे थे कि 15% पे उन्होंने की हुई थी वेंडर ने, वो चेक हो सकती है कि वो देखिए वो नहीं, या वो स्टैंडर्ड है, वो देखिए स्टैंडर्ड है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने इसको नहीं छेड़ना, वो क्यों नहीं छेड़ना कि जितना नैरो रखेंगे उतना अच्छा है, अदरवाइज बंद कर दें आप सर। लेकिन वैसे आप चेक कर सकते हैं कितनी नैरो उन्होंने रेंज रखी, मुझे फिर सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा। अच्छा नहीं, लेकिन वो स्टैंडर्ड जो है इसकी 10% है, उन्होंने कहा था 15%, तो 15% भी ठीक है, लेकिन 15% का आपको पता 60 वोल्ट ऊपर 60 वोल्ट नीचे, अगर 400 सेटिंग है तो 340 बिल्कुल, और प्लस 460 वो भी ठीक नहीं है। यही कल इंजीनियर भी कह रहा था, इसमें जो है ऑपरेट करना ही नहीं है, बिल्कुल इंजीनियर भी इतने कम आ रहे हैं तो क्यों ऑपरेट कर रहे हैं। आप इधर से देखिए आपके मेंस को ये क्या रीड कर रहा है, ये वापडा आ रही है, ये बाईपास, ये तकरीबन थोड़ा बहुत फर्क होगा, ये वापडा ही है दोनों, ठीक है। ये आपका आउटपुट है फेस टू फेस, और ये है आपका फेस टू न्यूट्रल, ठीक है, और ये कोई आप उसको ऑपरेट ही ना करें बिल्कुल, और अभी बिल्कुल ठीक है। आप रेक्टिफायर को ऑन करो, ये ब्लिंक करेगा ऐसा ऐसा, ये फिर आपकी ये बैटरियों को देखें आप, बैटरियों पे ये खुद ही फ्लोटिंग पे चला जाएगा 432 वोल्ट में, और ये पॉजिटिव में आ जाएगी।
स्टेबल हो गया, अभी ये चार्जिंग पे आ गया, ब्लिंक कर रही है, चार्जिंग कर रही है, अभी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेंगे। लोड क्या है यहाँ से चेक करें, वोल्टेज क्या है वी, ये यहाँ से देख लें, ये जो है बैटरी आप देख लें, फॉल्ट क्लियर करना है, कोई रेड शेड लाइट आ रही है, एक दो दफ़ा इसको प्रेस करेंगे तो फॉल्ट वो अपना रीसेट कर दें, ठीक है। और कोई बटन आपके ये ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए, ये एंटर के लिए, ये कंट्रास्ट के लिए, ये आपने फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, फ्रीक्वेंसी भी चेक, जनरेटर यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, वहाँ पर जाने, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट देगा हर चीज़ यहाँ से, ये मतलब जो है ना पैरामीटर कोई भी चेक करना चाहते हैं तो ये देगा। और आपने मेन विंडो में आना है, ये प्रेस कर दें, लोड प्रोटेक्टेड आ रहा है, पैरेलल ऑन नहीं, लोड प्रोटेक्टेड आना चाहिए, लोड नॉट प्रोटेक्टेड आ रहा है तो आपने कुछ नहीं ऑन। और नॉट प्रोटेक्टेड से आमतौर पर क्या मुराद होगी, बैटरी इशूज़ या इसके अंदर इशूज़ हैं, लोड नॉट प्रोटेक्टेड? हाँ, वो तो बाईपास पे गया हुआ है या कोई और है, उसको फॉल्ट क्लियर करके देखें, अगर होगा तो ठीक है, और मशीन को पहले बंद कर लें। आप कोई भी कोई इसमें रिस्क लेने लगे ना, या कोई बटन प्रेस करने, मशीन को वोल्टेज वगैरह चेक करने लगे, वो ये आपकी ये इस पोजीशन में, ये इलेक्ट्रीशियन है, इनका इम्तिहान ले लें तो हमें भी समझ आ जाएगी कि ये सही कर रहे हैं या नहीं। नहीं, ये तो सही चलता है। नहीं, ये आपका ज़रा पूछ लेंगे तो आप भी बता दें फिर कि क्या आप समझते हैं चीज़ों में। आप बताइए मसला क्या आया आपको, कल क्या मसला आया? कल तो ये आया ही नहीं ना, ये सबसे बड़ा मसला। कल सर जी, आज भी शादी है, करना है तो एक सामान लगाना है। बच्चे बात सुन, ये देख, आपने वोल्टेज चेक करने, ये क्या है, मीन वादा, ये क्या है, ये लाइन लोड चल रहा है, हाँ इन्वर्टर, ये लोड है, ये इन्वर्टर है, ठीक है, ये बैटरी है आपकी, ये बारो बार सांधे, ये बाईपास है, समझा कि नहीं समझा? जी सर, बारो बार है, ऐसे तो मशीन नहीं चला सकते असी, तू देना तेरे इनपुट के वोल्टेज किन्ने आ रहे हैं, ए इनपुट है तेरे को, और ए बिल्कुल सही दसदा, एनू देखना तू, ठीक है जी, ए लोड हल तेरे फेस टू फेस, ए तेरी फेस टू न्यूट्रल, ठीक है, बैटरी चेक करनी हो, बैटरी दे फ्लोटिंग ऐसे चार्ज हो रही, किन्ने एम्पीयर लै रही, 6 एम्पीयर, एनू छड़ दे, तेरा नहीं है काम, 90 मिनट कोई नहीं है, ठीक है, फ्रीकुएंसी चेक करनी, जनरेटर की किन्नी आ रही है, ए फ्रीकुएंसी दे, ए फ्रीकुएंसी हर्ट्ज दे, ठीक, लोड चेक करना ही, इतने लोड दे रहा होगा किन्ने एम्पीयर तक की है, तो बाकी बटनों नहीं छेड़ना, अगर कोई एरर दे रहा है, रेड हो लाइट, तो तू वो थले एक एरो बनया होगा उस टाइम पर, वह तू प्रेस करेगा ना, तो दस देगा स्क्रीन शॉट डॉक्टर साहब वास्ते, मेज साहब वास्ते ले लेना, एरो अगर इन्हें रेड कोई लाइट ऑन की है, वो थले एरो बनया होगा, उन्होंने प्रेस करेगा तो दस देगा कि मैंने की मसला होया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उस वक्त ना तू तस्वीर खिंचने। बाकी यूपीएस ठीक है सर, माशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। बी की पॉइंट है, आप जो सजेशन है कि क्या जो हम इस वक्त ए की जनरेटर चला रहे हैं, बिल्डिंग पे भी है और इसी के साथ बिल्डिंग है, अब